इलोन मास्क भारत में ला रहा है टेस्ला मोबाइल जो आईफोन को देगा मात। जी हां, बहुत जल्द हमारे देश में टेस्ला लॉन्च करने जा रहे हैं अपना नया स्मार्टफोन। और जाहिर सी बात है कि टेस्ला जैसे स्मार्टफोन सीधे सीधे आईफोन को टक्कर देने वाला है। तो क्या आप तैयार है फ्यूचर लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी में एक ऐसा फोन का वेलकम करने के लिए जिसके आने से मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक नया युग की शुरुआत होगी और हम गवाह बनेंगे कि ऐसी कंपटीशन का जिसके चलते हमें रोज नए नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना एक भी पल गवाए हम चलते हैं हमारी आज की एपिसोड की फीचर्स के हिस्से पर। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि आखिर टेस्ला के ओनर इलन मास्क ने स्मार्टफोन बनाने को कैसे सोचा। तो ये वो जो स्पेस और रॉकेट इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम और पैसा बना रहे थे, और हुआ कुछ ऐसा कि कुछ टाइम पहले की बात है कि टेस्ला के शेयर डाउन जा रहे थे। टेस्ला की ये हालात काफी खराब हो गई थी। ऐसे में टेस्ला ने एप्पल से मदद लगाई, लेकिन एप्पल ने उसके मदद करना तो दूर, उसके साथ मीटिंग करने के लिए सहमत नहीं उठाए। बस कहते हैं ना, वक्त बदलने में देर नहीं लगती, और जब टेस्ला का अच्छा वक्त आया तो उन्होंने एप्पल से अपनी खुन्नस निकालने की ठान ली और इलोन मास्क ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा कर दी। और ये फोन मार्केट में सीधे सीधे बैठने वाला है आईफोन से। और ये तो आप सभी जानते हैं कि टेस्ला ने स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना सिक्का जमा हुआ है। जब बात होगी टेस्ला की फोन की तो उनसे एक्सपेक्टेशन भी कई गुना ज्यादा होगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि टेस्ला की फोन में कौन कौन सी फीचर्स हैं जो उसे एप्पल के मुकाबले में खड़ा करने के लिए शक्ति देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोन की नाम की। तो जो खबर निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से फोन का नाम होगा टेस्ला मॉडल PI। और फोन की जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये है कि ये फोन स्टारलिंक इंटीग्रेटेड होगा। जो लोग नहीं जानते हैं कि स्टारलिंक क्या है, उनके लिए बता दें कि ये स्टारलिंक टेस्ला का अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है। अभी तक हमारा फोन में क्या होता था, एक सिम होती थी और फिर हमें नेटवर्क कनेक्शन करना पड़ता है जो कि मोबाइल टावर से आता है। लेकिन इलोन मास्क की स्टारलिंक सिस्टम में नेटवर्क टावर से नहीं बल्कि सीधे सैटेलाइट से आएगा। स्टारलिंक की कई सारे सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर खा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी के साथ तेज स्पीड इंटरनेट मिलेगा जो कि लगभग 200 Mbps तक हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ला का फोन जब आपके हाथ में आएगा तो वह पहले से ही स्टारलिंक इंटीग्रेटेड होगा। अभी तक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज मिलिट्री के अलावा किसी के पास नहीं होता था, लेकिन टेस्ला की इस रेस में आने से हम लोग भी इस टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे और जनता भी यूज कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको नेटवर्क ढूंढने के लिए टावर नहीं ढूंढना पड़ेगा। आप दुनिया के किसी भी देश में हो, आपके फोन में हर वक्त नेटवर्क मौजूद रहेगा, आप कहीं भी किसी भी कोने में क्यों ना हो। अभी तक हम लगभग हर नेटवर्क में इस प्रॉब्लम को फेस करते थे कि टावर का कनेक्शन नहीं आ रहा है, इंटरनेट भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अब टेस्ला के आ जाने के बाद हमें नो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है उससे निजात मिल जाएगी। कई बार हम जब इम्पोर्टेंट मैसेज भेज रहे होते तो स्पीड डाउन हो जाते हैं और हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। टेस्ला की सैटेलाइट फोन के आ जाने से ये समस्या भी लगभग खत्म हो जाएगी, हमें हर वक्त स्पीड मिलेगा। पर जब हम सिम वाला फ़ोन यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमें कंपनी की सिम खरीदनी पड़ती है और जिस दिन हमारा पैक ख़त्म हो जाते हैं हमारा फ़ोन बंद हो जाता है। लेकिन जब सबके पास टेस्ला की फ़ोन होंगे तो आप सैटेलाइट कॉलिंग के जरिए बिना रिचार्ज के भी कॉल कर सकेंगे। आपका रिचार्ज का पैसा बचेगा क्योंकि आपके पास हर वक्त इंटरनेट मौजूद रहेगा, तो आप आसानी से व्हाट्सएप कॉल आदि कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और ये तो बहुत बेहतरीन फीचर है, पर हमें उम्मीद है कि आपको भी ये सुनकर खुशी तो ज़रूर हुई होगी। आप जो दूसरी बात है टेस्ला की आने वाली फ़ोन की, वो है एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, और इसके बारे में सुनकर तो आपकी खुशी कई गुना बढ़ जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी फ़ोन को अपने ब्रेन से कंट्रोल कर पाएंगे। आपकी कमांड देने के लिए टाइप का या बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप जो मन में सोचेंगे या आपका फ़ोन वही करेगा। है ना एक नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगा, इसके लिए आपकी सर पर एक चिप सेट कर दिया जाएगी। उसके बाद आपका फ़ोन वाईफाई की मदद से आपका ब्रेन से कनेक्ट हो पाएगा, और जो चिप्स होगी उसने अपने माइंड का एक्टिविटी को रीड करेगी और आपकी फ़ोन को इंस्ट्रक्शन देगी। बस आपका फ़ोन वही करेगा जो आप उसे करवाना चाहेंगे। यह तो सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन जब बात आती है इलोन मास्क की तो कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। अब बात करते हैं अगली फीचर की। तो जिस तरह एप्पल ने अपनी एक इकोसिस्टम बनाकर रखा है, एप्पल का एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ में लिंक रहता है, ठीक उसी तरह टेस्ला भी ऐसी टेक्नोलॉजी फॉलो करेगा। अगर ऐसा हुआ तो आपका टेस्ला फोन और कार इजीली कनेक्ट हो पाएगा और आप आसानी से अपने फोन के साथ अपनी टेस्ला कार को ऑर्डर दे पाएंगे। आपका फोन आपके लिए कार का भी काम कर पाएंगे और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल पाएगा। अगला फीचर भी फैंटास्टिक और वो है सोलर चार्ज।
आपका फोन सोलर एनर्जी से चार्ज होगा। आपका फोन लेते वक्त कलर चॉइस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप फोन में मौजूद सॉफ्टवेयर की मदद से अपने लिए कलर सिलेक्ट कर पाएंगे। मतलब मजा ही आ जाएगा ना कि हम अपने आप पसंद का कलर बना पाएंगे। टेस्ला की फोन में क्रिप्टो माइनिंग कर पाएंगे, लेकिन बिटकॉइन वगैरह नहीं बल्कि मार्क्स कॉइन, जो कि टेस्ला का अपना कॉइन होगा, उसको आप एक फोन में माइन कर सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग के लिए काफी बड़े बड़े कार्ड यूज होते हैं, काफी एनर्जी खर्च होते हैं। ये भी एक नया इवोल्यूशनरी फीचर होगा। इस तरह आपका फोन आपके लिए एक इनकम सोर्स भी बन जाएगा। ये काफी दूर की सोच है इलोन मास्क की। अब बात करते हैं प्रोसेसर और कैमरा की। यह पक्का है कि टेस्ला अपने लिए कई अलग एडवांस प्रोसेसर लेके आएगा, क्योंकि जब बात आपस की कंपटीशन की है तो किसी दूसरे की टेक्नोलॉजी का यूज तो किया नहीं जा सकता। और अब नंबर आती है कैमरा का। यहाँ भी एकदम नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि इसका फ्रंट कैमरा 108 पिक्सल का होगा और बाकी की दो कैमरा 50-50 पिक्सल का होगा। और जो फोर्थ कैमरा होगा वो डेप्थ कैप्चर करने के लिए होगा, जो कि 5 पिक्सल पर होगा। बैकग्राउंड ब्लर करने का काम भी करेगा ये फीचर, जैसे आईफोन 13 में दिया, लेकिन वहाँ एक सॉफ्टवेयर से किया जाता है। इसके साथ बेहतरीन सेल्फी के लिए टेस्ला का ये स्मार्टफोन 45 पिक्सल का फ्रंट कैमरा के साथ दिया गया होगा। इससे कैमरा का जूम होगा लगभग 200x। इसका मतलब आप मिल्की वे भी और गैलेक्सी को भी देख पाएंगे। अगर आप कभी मार्स पर जाते हैं तो वहाँ भी नेटवर्क मिलेगा। मतलब ये तो कितनी लंबी प्लानिंग है। और बात करें डिस्प्ले की, तो ऐसा बताया जा रहा है लगभग 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और जब सारी फीचर्स इतनी जबरदस्त हो तो डिस्प्ले कितनी शानदार होगी। ये थे जो सारे फीचर्स जिसके बारे में अभी तक पता चल गया। बाकी जब फोन आएगा तब पता चल जाएगा सारी बातें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार है इस फ्यूचर लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए? क्या लगता है आपको कि वाकई जो टेस्ला फोन है वो आईफोन को मात दे पाएगा? कमेंट सेक्शन पर उसका जवाब बिल्कुल दीजिएगा। और इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।